सामने कैसा होगा? बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं शायद और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और भाई लोग आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूं और आप लोग भी खुश हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों हमारा फेवरेट शाहरुख खान की मूवी जवान आ चुका है थिएटर पर। और भाई थिएटर पे धमाल मचा दिया, तो भाई मेरा टिकट है समात भाई 8 बजे का, तो चलो आज का मेरा टिकट बुक हो चुका है। तो पहले भाई जवान देखते हैं और आप लोगों को रिव्यू कैसा होता है वो भी आप लोगों को दे दूंगा। तो चलो भाई मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ, आप लोग कैसे हो मुझे बताना कमेंट में जरूर। चलिए मैं डायरेक्ट वीडियो को शुरू करता हूँ थिएटर पे। यहाँ से एक चश्मा भी ले लिया, ये देखो रेड वाला हो गया। तो यहाँ सामने है रोड ब्लॉक, कैसे जाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मतलब आसाम से आए ना, तो वो कोर्ट चले गए थे रात के टाइम, भाई अभी भी काम कर रहे हैं वो बंदा। तो अभी हम लोग सामने से जाएंगे तो फिल 40 होके, तो चलो अभी वो वाला रोड पकड़ते हैं, नहीं तो भाई सिर्फ हमारे पास 20 मिनट रह गया है, चलो जल्दी निकालते यहाँ से। भाई ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है आज सिलचार में, सिलचार के नाइट लाइफ ट्रैफिक कितना होगा देखो। और भी हम लोग आगे जाएंगे तो और ट्रैफिक हो सकता है। रोड हम लोगों को दिखाया मैप में, कहाँ ले जाएगा हमको ज़्यादा मालूम नहीं है, लोकेशन की बोरों से हम लोग चल रहे हैं। अगर मिलता है तो भाई लोग सिर्फ 10 मिनट्स ही रह गया। तो दोस्तों फाइनली हमारा सिनेमा हॉल मिल चुका है, ये देखो ये है भाई बिल्डिंग, नाइट का नज़ारा क्या होगा मालूम नहीं। तो ये देख सकते हो गोल्ड सिनेमा हॉल, थोड़ा सा अंदर ले लें। तो यहाँ भी 8 बजे का शो है ना, इसके कारण से सभी आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे पार्किंग मिलता है, तो पार्किंग यहाँ पे पार्किंग ये है भाई टिकट काउंटर बॉक्स ऑफिस गोल्ड सिनेमा हॉल। भाई लोग पूरा सिनेमा मतलब हाउस पूरी था, आप देख सकते हो अभी भी निकल रहे हैं लोग, कितना टाइम से मैं निकल रहा था भाई लोग, अभी भी लोग निकल रहे हैं आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा भीड़ कभी भी नहीं होता यहाँ पर। इसके सामने भी है और मतलब एडवांस बुकिंग के लिए तीन चार दिन तक तो कोई बुकिंग ही नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही मिल रहा है। और अभी मतलब जो पहला वाला शो था उससे अभी भी लोग निकल रहे हैं आप देख सकते हो। तो भाई हमारा टिकट मिल चुका है, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। अंदर चल ही रहा पहला वाला, ऐसे कुछ एंट्री है देख सकते हो सामने। चलो भाई लोग अभी स्टार्ट होने जा रहा है, आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर चल ही रहा है, अभी भी मतलब लाइट ऑन है, मतलब अभी भी थोड़ा सा और लेट होगा। तो अभी यहाँ पे बैठ गया देख सकते हो, पूरा पैर फैला के बैठा हुआ हूँ। तो अभी स्टार्ट होगा तो देखेंगे भाई। सामने कैसा होगा? इंट्रो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर सामान इंटरवल के बाद देख सकते हो लोगों का भीड़ अभी पूरा हो गया। भाई लोग अभी फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, भाई बहुत ही बढ़िया लगा। और अभी तो भाई बहुत ही ज़्यादा सस्ते से बात करूँगा, मैं समझाऊँगा कि फिल्म में क्या क्या है। तो चलो अभी सेकेंड हाफ देखने के लिए अभी अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ बाहर में थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए रुका था, पता नहीं डिमांड पूरी करोगे तो आज़ादी किसको मिलेगी? आज़ादी अन्याय से, आज़ादी थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो, और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई लोग कुछ बातें करेंगे और कुछ रिव्यू भी लेंगे। चलो यहाँ पे हमारा एक भाई है, उससे थोड़ा सा बात करते। बोलो फिल्म कैसा था?
अभी तो एंड हो चुका है, बहुत मस्त। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई आगे जवान मूवी देखे, जवान मूवी देखे। इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि कॉमेडी, जो हम लोगों का पॉलिटिकली जो हम लोग इलीगली होता है, और इलेक्शंस के बारे में जो हम लोग को किसको चुनना है, राइट पर्सन चुनना है, यही एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू। तो भाई लोग अभी आ चुका हूँ, फिल्म ख़त्म, और यहाँ पे मतलब दादा आया हुआ, क्योंकि दोस्तों पेट में तो खाना भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो इंसान ग्रो भी है, पूरा सूजा हुआ लग रहा है, क्योंकि भाई आज सुबह से ना ज़्यादा हाईटेक हो गया, क्योंकि यहाँ CM भी आए थे हमारे बराक वैली पर, उनके साथ भी हम लोग रैली पे चले गए थे, तो उसमें गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे टिकट भी बुक था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी हो गया सब काम, और न्यू ओपन हुआ, तो इसके कारण से यहाँ पे भी आ गया, ताकि यहाँ पे बैठता हो भाई चार पे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा सजाया हुआ। तो दोस्तों फिल्म के बारे में मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो भाई फिल्म था, मतलब थ्रिलर भी था, इसके बाद इसमें सस्पेंस भी था, और इसमें भाई मतलब कॉमेडी भी था, और एक्शन तो भाई ज़बरदस्त, और जो कॉमेडी था वो भी भाई कॉमिक था, मतलब नया था कुछ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा वाला सीन भी था। और इसके बाद इसमें भाई बहुत ज़्यादा ऐसे कहानी भी है चुका हुआ, मतलब एक ही चीज़ पर बेस ये फिल्म में, ये बहुत सारे कहानी है, तो इन सब कहानी को एक साथ मिला के ये वाला फिल्म बनाया गया है। और लास्ट में जो बताया गया है कि हमारे जो बूट है, उस बूट से ही हम हमारा नेता चुनते हैं, उसको हम लोग सही से चुने, ताकि मतलब हमारे आगे पीछे अच्छा, तो ऐसा कुछ फिल्म्स था। और मैं आप सभी लोगों को ये वाला फिल्म मैं रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी जाइए और ये वाला फिल्म देखिए, और आपका भी रिव्यू बताइए कि कैसा हुआ है। हमारा तो भाई बहुत ही बढ़िया था फिल्म, पैसा वसूल था, हम लोगों को लास्ट में सीट मिला, मतलब बुकिंग ही नहीं मिल रहा था, आज से 3-4 दिन तक कोई बुकिंग ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई थिएटर पूरा फुल है। और आप लोग जाओ देखो फिल्म और एंजॉय करो, और ऐसे कुछ समझो, और जो भी बोला गया है वो भी ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किया है दावा पे आके, रात अभी 12 बज रहा है अभी, और अभी हम लोग दावा पर आके ऑर्डर किया कि हम लोगों का खाना अभी आएगा, और हम लोग खाना खाएंगे, इसके बाद हम लोग वापस घर चले जाएंगे। भाई लोग अभी भी खाना आने में लेट है, तो यहाँ पे आया हुआ है 7 Up, ऐसा कूल है यहाँ पे ऑर्डर के, तो अभी वो ख़त्म करते हैं। तो भाई लोग अभी खाना पीना हो चुका है, और अभी रात के बज रहा है 1:30, और अभी हम लोग यहाँ से मतलब दावा से निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे अपना घर सही सलामत, मतलब धीरे धीरे ही चलेंगे, 10-15-20 ऐसे कुछ चलेंगे। और अभी मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोग भी जवान देखने जाओ और इन्जॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।